क्या आपके गांव वालों को पता है? जैसे पता तो है ही, मैंने कई अभी गांव में पूछा है तो लोगों को पता है, वीडियो वगैरह बनाती हैं, तो उसका कभी कैसा रिएक्शन आता है आपको, मतलब क्या सुनने में मिलता है? बिगड़ैल लड़की है। हाँ वही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कॉप्स में। चिंगा दोस्तों, तो बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट मेरा जो प्लान है वो क्या है और कहाँ मैं जाने वाला हूँ, तो फाइनली आज मैं आ गया हूँ एक सोशल मीडिया की स्टार कह सकते हैं, और हैं भी, काफ़ी दिन से हम लोग उनके वीडियो देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तो आज हम उन्हीं के पास आए हुए हैं और जिनका नाम है खुशी वर्मा। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहना है, आगे उनकी जर्नी जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है वो सारी कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को रिवील करने वाले हैं। और चलिए उनसे ही पूछते हैं। तो एक बार आप ही अपना नाम बता दिए अपने आप से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं आपकी अपनी खुशी और ये आज आए हैं हमारे घर पे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि आज से पहले आपके यहाँ पर और कोई आपसे मिलने आया इससे पहले? नहीं जी, फर्स्ट टाइम आप ही आए हैं। चलिए, ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि पहली बार हम ही आए हैं, और मुझे भी काफ़ी जो है टाइम लगा यहाँ पर आने का क्योंकि पास का ही होके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जर्नी और पूछते हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आपका आने का कैसे, मतलब किसी को देख के आप आई हैं या खुद से ही आपका मन हुआ? नहीं, पहले तो जैसे यूट्यूब था तो मैं यूट्यूब देखी। पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, पापा का फ़ोन था, तो मैं यूट्यूब देखी। मुझे मेहंदी वगैरह लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं सोची कि मैं मेहंदी के वीडियोस बनाऊंगी। तो पर एक बार फिर हमारे घर पे मतलब मामा आए हमारे, तो हम बोले कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो, क्योंकि मुझे मोबाइल के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे क्यों बनाओगी, वीगो वीडियो ऐप है, वो शॉर्ट वीडियो ऐप है, तो तुम उस पर मतलब बना सकती हो। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब डाउनलोड तो कर लिया, अब मुझे कुछ आता ही नहीं, हम करें कैसे करें। हाँ, तो फिर ऐसे ही पूछते पूछते हमारे एक लोग चाचा हैं, सानू चाचा उनको हम बोलते हैं, तो उनके पास से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल गई कि ऐसे करो वैसे करो, वो भी बनाते थे पहले। तो वहीं से मतलब जो था कि हम स्टार्ट वगैरह किए, और फिर जो था कि स्टार्ट में तो मतलब सपोर्ट नहीं था, जैसे मम्मी बोलती थी कि हाँ बना लो, लेकिन मतलब डांस वीडियोज़ बनाने का नहीं था कि मतलब ऐसे लिप्सी वगैरह करके थोड़ा बहुत वही बनाते थे। टिकटॉक पे आपने नहीं कभी ट्राई किया? टिकटॉक जब जैसे वीगो बैन हो गया था, वीगो मतलब कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम कुछ हो गई थी ना, तो वो बैन हो गया था, तो उसी टाइम फिर मैंने अपना जो अकाउंट था वो ट्रांसफ़र किया था टिकटॉक पे, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक वो आया था कि अपना अकाउंट जो है वो टिकटॉक पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, वीगो वाला भी? हाँ, हो गया था। तो वही अकाउंट मैंने ट्रांसफ़र किया था, तो मेरे सारे वीडियोज़ वहाँ पे गए थे, लेकिन जो फैंस वगैरह थे वो नहीं गए थे, फॉलोवर नहीं गए। हाँ, फॉलोअर जीरो वगैरह सब वीडियोज़ आपने कवर। हाँ, तो मतलब मैंने वहाँ पे 8 दिन वीडियो बनाए, तो 8 दिन में मेरे 15,000 वहाँ पे फैंस हुए थे, लेकिन तब तक वो भी बैन हो गया था। फिर बिगो भी उसके बाद थोड़े दिन बाद बंद हो गया, सबको इसमें दिक्कत हुई, सबका चला था। तो काफ़ी जो है बिगो और टिकटॉक जो सोशल मीडिया पर जो ऐप आए थे, तो इससे काफ़ी लोगों को मतलब बनाया। तो अभी मतलब जब बंद हुआ तो उस टाइम कितने फॉलोवर थे आपके बिगो पर? वीगो जो बंद हुआ था तो मेरे करीबन 2 लाख फॉलोअर्स थे वहाँ पे वीगो पर। जैसे ही मैं वायरल होनी मतलब स्टार्ट हुई थी वहाँ पे, तो उसी के थोड़े दिन बाद मतलब ये खबर आ गई थी कि कुछ दिन में वीगो बैन हो जाएगा, पर फिर भी मैं मतलब उस पर मेहनत करती रही, तो जब तक बैन हुआ था तब तक 2 लाख करीब हो गए। 2 लाख हो गए तो वीगो और टिकटॉक के अलावा भी कभी किसी और ऐप पर, जैसे वीमेट था और लाइकी वगैरह था, उस पर भी कभी ट्राई किया? हाँ, लाइकी पे मैं गई, जैसे सारे ऐप तो एक साथ में बैन हुए थे ना, तो जैसे टिकटॉक पे गई थी तो टिकटॉक पे वायरल होनी भी स्टार्ट हो गई थी, लाइकी पे भी अकाउंट बनाया था, बट वो सारे एक साथ ही बंद हो गए, तो मतलब मुझे उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला उस पर। तो सब करीब वीगो बंद हुआ उसके बाद, क्योंकि मेरा भी अकाउंट था वीगो बंद, उसके 10 दिन बाद ही वीमेट भी बंद हो गया था, क्योंकि हाँ, उसके बाद मैंने ऐप बैन हो गए थे। तो उस पर टिकटॉक पे तो कोई पैसा था नहीं, तो नहीं, उस पर सिर्फ यह था कि फैन फॉलोइंग आपकी बन जाती और वीडियो वगैरह वायरल हो जाते, तो यही था थोड़ा बहुत। तो सबसे मेन मुद्दे की बात की मतलब वीगो से कितना पैसा अभी तक कमाया होगा आपने, जैसे अभी तो क्या, अभी तो बंद हो गया फिलहाल। हाँ, जितना भी मतलब जब वीगो मतलब स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें तो फ्लेम्स वगैरह मिलते थे ना, फ्लेम्स मिलते थे। तो जैसे जब मैं वायरल होनी स्टार्ट हुई थी, मतलब मान लीजिए मैंने वीगो से ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये बस वहाँ से मुझे आए थे, क्योंकि जब मैं वायरल होनी स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे फ्लेम्स मिलने बंद हो चुके थे, क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, कभी बीच फ्लेम्स मिलने बंद हो गए, मतलब कुल मिला के आपने वहाँ से जो है
फैंस इकट्ठा कर लिए थे, यानी कि फॉलोवर्स इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ वहाँ से प्रॉफिट नहीं हो पाया, कुछ अर्निंग नहीं थी। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि पैसे से बड़ी फेस वैल्यू होती है भाई। तो अगर आपकी फेस वैल्यू है सोशल मीडिया पर, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको रिस्पॉन्स वहाँ पर अच्छा मिलने वाला है, पब्लिक आपको जानती है पहचानती है। तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाओगे तो आपको वहाँ पर ढेर सारा लोगों का प्यार मिलने वाला है। वही आज खुशी जी के भी साथ में हो रहा है। तो अभी आप किस किस मतलब एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए? शॉर्ट वीडियो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम है, और फिर एक अभी न्यू ऐप निकला है कड़क, तो उन्होंने प्रमोशन के लिए मुझे बोला था, तो वो लोग मुझे मंथली 7,000 रुपये दे रहे हैं प्रमोशन का, तो वहीं वहाँ से मतलब मेरी अर्निंग हो रही है। और जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग प्रमोशन के लिए आ जाते हैं तो वहाँ से अर्निंग होती है, और मतलब मेन जो वीडियो ऐप है शॉर्ट, तो वो इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो। नहीं तो अभी हमने शायद हाल ही में सुना, जैसे अभी तो मैं इतना यूज़ नहीं करता इंस्टाग्राम पर, सुना है कि वहाँ से भी अर्निंग होने वाली है रील वगैरह बना के। हाँ वही मतलब प्रमोशन से होता है उसमें, मतलब मेरे जानकारी में तो यही है कि इसे प्रमोशन से होता है, बाकी ये कुछ नया अपडेट आने वाला है। कुछ हाँ नया अपडेट आने वाला है शायद, अभी मनोज दे का मैंने वीडियो देखा नहीं, उन्होंने डाला था कि कुछ उनको भी चेक आया है, कुछ बड़े बड़े जो आपके भी तो करीब 2,40,000 समथिंग फॉलोवर हैं इस टाइम। नहीं इंस्टाग्राम पे हैं 2,40,000। हाँ, इंस्टाग्राम पर। और यूट्यूब पे हैं अभी 1,40,000 कुछ ऐसे, 1,39,000। अच्छा यूट्यूब पर जो मैंने आपका चैनल देखा तो उसमें कुछ 48,000 करीब थे, कि दूसरा भी है क्या कोई किस नाम? यूट्यूब पे 4 चैनल हैं, बट 2 चैनल मेरे ख़राब हो गए थे, तो एक जो अभी प्रेजेंट टाइम में चैनल सबसे बड़ा जो चैनल है उस पर 1,40,000 है, और जो दूसरा मैंने अभी चैनल डांस ट्यूटोरियल का खोला था तो उस पर भी 22,000। हाँ आपने डांस के जो स्टेप वगैरह सिखाती हैं, तो पहले कभी डांस वगैरह आपने सीखा है कि इनबिल्ट से मतलब होता है कि आपके अंदर था ही हुनर? नहीं डांस नहीं सीखा है कहीं से, क्योंकि जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, गांव से हूँ, तो यहाँ पे तो कहीं डांस क्लास वगैरह नहीं है। बट डांस की जो रुचि मुझे आई वो श्रीदेवी मैम को देख के आई, उनकी जो नगीना मूवी है तो उनका जो नागिन डांस वाला मतलब है सॉन्ग, तो वही मतलब मेरे घर में ऐसे मूवी वगैरह चलती थी। पापा भी मेरे हैं तो पुराने मूवीज़ के शौकीन हैं, तो वही मतलब देखते थे पुरानी मूवी, तो हम मतलब मेरी जो रुचि हुई आई मुझे डांस की, तो वो श्रीदेवी मैम के डांस से ही आई, उनसे मुझे मतलब इंस्पिरेशन मिली। तो करीब मतलब कितने वीडियो डालने के बाद आपका पहला वीडियो वायरल हुआ, मतलब कितने वीडियो डाल दिए थे आपने जब? वीगो पे जैसे स्टार्टिंग तो वीगो पे हुई थी, तो करीब मतलब 600 या 550 ऐसे वीडियो में डाल चुकी थी तब वायरल हुई थी। तब वीडियो वायरल स्टार्टिंग से जो मुझे था कि घर में मतलब इतना मुझे वो नहीं था, खुलापन नहीं था, मतलब वो नहीं था, तो मैं क्या करती थी बस मतलब लिपसिंग के वीडियोस बनाती थी ना, तो लिपसिंग का वीडियो इतनी जल्दी वायरल नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं वायरल जब तक कोई टैलेंट ना दिखाओ। हाँ तो मतलब ऐसे नॉर्मली लिपसिंग का वीडियो कैसे वायरल होगा, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था बट मैं बनाती थी, तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती कर करके नहीं मुझे बनाना है, तो फिर ऐसे ही डांस का बनाने लगी। तो मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो 1.1 मिलियन वायरल हुआ था, पहला ही वीडियो वायरल हुआ 1.1 मिलियन वायरल था वीगो पे, वो होली के टाइम में हुआ था, होली के टाइम में मैंने बनाया था। तो होली से रिलेटेड सॉन्ग था या कोई? हाँ होली से रिलेटेड था। तो जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं देख पा रहे होंगे कि एक मतलब इतना बड़ा मुकाम पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने लोगों से होकर गुजरना पड़ता है। अच्छा मैं ये तो भूल ही गया कि क्या आपके गांव वालों को पता है? जैसे पता तो है ही, मैंने कई अभी गांव में पूछा है तो लोगों को पता है वीडियो वगैरह बनाती है, तो उसका कभी कैसा रिएक्शन आता है आपको, मतलब क्या सुनने में मिलता है? बिगड़ैल लड़की है। हाँ क्या आपके गाँव वालों को पता है? जैसे पता तो है ही, मैंने कई अभी गाँव में पूछा है तो लोगों को पता है वीडियो वगैरह बनाती है, तो उसका कभी कैसा रिएक्शन आता है आपको, मतलब क्या सुनने में मिलता है? बिगड़ैल लड़की है। हाँ क्या आपके गांव वालों को पता है? जैसे पता तो है ही, मैंने कई अभी गांव में पूछा है तो लोगों को पता है वीडियो वगैरह बनाती है, तो उसका कभी कैसा रिएक्शन आता है आपको, मतलब क्या सुनने में मिलता है? बिगड़ैल लड़की है। हाँ वही है, मतलब ये होता है क्योंकि मैं भी हूँ गांव से ही हूँ, बिलोंग करता हूँ और वीडियो वगैरह नॉर्मली बनाता हूँ। इससे पहले मैं कॉमेडी बनाता था तो मुझे भी लोग कहते हैं, तो लेकिन क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप आज? पहले तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कोई भी बंदा अगर कुछ करना चाहता है तो उसको मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जैसे बाहर के लोग तो जैसे मेरे फैंस जो हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, स्टार्टिंग में किसी का सपोर्ट नहीं था, ठीक है? तो एक गांव की बात जो होती है वो अलग ही होती है कि हाँ हमारे गाँव जो एक फैमिली के जैसे होता है, ठीक है? तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हमारे गाँव वाले हमको मतलब सपोर्ट करें। बट जब मुझे गाँव से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और मतलब जैसे होते हैं ना कि 4 लड़के अगर कहीं पर बैठ
बैठे हैं तो निकलना मुश्किल है, मतलब चिल्लाने लगते हैं, ये देखो जा रही वीडियो बनाती है, वीडियो बनाते हैं। तो मतलब वही था ना कि सबको ऐसे करना पड़ता है स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ये तो फेस करनी पड़ती है, लेकिन जब एक मुकाम मिल जाता है अच्छे, ये वही कहते हैं ना, ये जो चार लोग होते हैं इन चार लोगों को अवॉइड करना पड़ता है। और बिल्कुल, लेकिन जो अब आने वाले हैं सोशल मीडिया पे, जो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब मुश्किल है इस टाइम ग्रो होना किसी भी चीज़ पे? जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे ट्राई किया तो अभी कुछ खास है नहीं वहाँ पे हमारा भी। देखिए क्या होता है कि अगर जैसे आप मतलब किसी भी जैसे क्षेत्र में होता है ये, तो मतलब सोशल मीडिया हो गया, तो मतलब आप अगर जैसे कहीं पे सक्सेस होना चाहते तो आप मतलब निस्वार्थ काम कीजिए, किसी चीज़ को स्वार्थ में रख के काम मत कीजिए कि हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा होता है कि जैसे हम वीडियो ही बनाते हैं तो मतलब हमें बस वीडियो बनाना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारे कितने फैंस हो गए, कितने लाइक आए हैं, बस वीडियो बनाते जाइए, बनाते जाइए, मेहनत से बनाते जाइए, किसी ना किसी दिन तो वायरल हो ही जाएगा। अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना है, सीधी सी बात यह है कि ये नहीं देखना है कि नहीं हमें इतने दिन में ये फॉलोवर करने वो करने। जब आप कॉन्टेंट अच्छा बनाओगे तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए छोटा नहीं है, सब वहाँ पर बड़ा है। तो घर वालों का तो रिएक्शन आपने बताया, लेकिन आज क्या गांव वालों को पता है, मतलब पता ही होगा लगभग कि आप कहां पे इस टाइम पहुंच गई हैं? हाँ जी पता तो है, और बाकी मतलब मुझे देख के एक दो लोग और गांव के बनाने लगे हैं, उनकी स्टार्टिंग है अभी, तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी और आगे वो निकले अच्छी बात है। बिल्कुल, आपको देख के लोग अगर कुछ करना चाहते तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत ही आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपको देख के लोग कोई इस सोशल मीडिया को ज्वाइन कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है। तो कोई लड़की में भी है क्या, कोई लड़की है या कोई लड़का यहाँ से मतलब बना रहा है वीडियो आपके गांव से? गांव से मतलब जैसे मेरी एज में एक लड़का है, वो कॉमेडी वाला वीडियो मतलब अच्छी एक्टिंग करता है, बट अभी वायरल नहीं है। यूट्यूब पर? यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी चैनल होगा तो मुझे उतना नहीं पता है, और बाकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं एक दो जो बनाती हैं। तो यूट्यूब पे भी तो आपका ब्लॉगिंग का चैनल है या डांस के ही चैनल है सारे? नहीं वो तो मेरा मैंने बस एक जैसे पॉपुलरिटी के लिए खोला था कि मुझे मतलब प्यार चाहिए लोगों का, और मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे हाँ यहाँ से अर्निंग भी करनी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मेन बात यही है कि मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, तो मैंने बस चैनल डायरेक्टली ऐसे खोल के, और जैसे जो भी वीडियो होता है खुद का वीडियो बना के या डांस का डाल दिया ऐसे 2-3 मिनट का, या तो मतलब जैसे इंस्टाग्राम की रील्स हो गई तो वो उठा के वहाँ पर पोस्ट कर दी, तो ऐसे ही बस मतलब डांस का चैनल। तो वहाँ से भी कुछ पैसा या अर्निंग वगैरह होती है आपकी? नहीं अभी यूट्यूब से तो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो है। नहीं क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इतने सब्सक्राइबर हैं उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए आपने अप्लाई नहीं किया उसके लिए क्या वहाँ पर? देखिए जैसे वो सारे तो मतलब कॉपीराइट वीडियोज़ हैं। अच्छा वो हाँ सॉन्ग को लेके हैं डांस मतलब कॉपीराइट, तो मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मतलब मैं एक चैनल को अपने ख़राब कर दूँ पैसे के चक्कर में, मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो जाएं, मिलियंस में वीडियोस वायरल हैं, सब पसंद करते हैं इतना ज़्यादा। हाँ वहाँ पे तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने मतलब दूसरा चैनल खोलिया, अभी मतलब चैनल तो हो गया है 2-3 महीने का, लेकिन मैं उस चैनल पे पिछले मंथ से ही एक्टिव हुई हूँ, तो अभी पिछले मंथ में 22,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अभी वॉच टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है, वो हो जाए तो उसके बाद में ब्लॉगिंग ट्राई कर रहे हैं आप? हमने देखा है एक तो वीडियो आपके ब्लॉगिंग, वो चैनल मेरा लॉक हो गया है 44,000 वाला। हाँ हाँ वही मैंने देखा है, ब्लॉग वगैरह डाला था आपने इसी लोकेशन का। हाँ वो चैनल जो था मेरी गलती की वजह से ब्लॉक हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, आप जितने भी चैनल बनाएंगी आपका चलेगा भगवान। तो मुझे प्यार जो है भरपूर मिला है, मैं मतलब एक बार फिर से सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया है, कि मतलब लोगों का एक चैनल तो ग्रो होना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा जो पहला चैनल था उस पर तो स्ट्राइक आ गया, 72,000 उस पर सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और फिर उसके बाद में मैंने ये 1,40,000 जो है वो खोला था, वो उस पर तो फिर, और तीसरा जो खोला उस पर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो वो मेरे से ही मतलब ब्लॉक हो गया, तो फिर मैंने चौथा खोला तो उस पर भी 22,000 हो गए। हमारा ऐसा सबके साथ होता है जो नया नया आता है इस फील्ड में, सबके साथ होता है। मैं भी 2017 से हूँ और 2017 से मैंने 3 चैनल अभी तक खो दिए हैं, क्योंकि अच्छे खासा सब्सक्राइबर कर करके अपने हिसाब से जल्दी जल्दी, किसी पे 20,000, किसी पे 14-15,000, बट अभी ये तीसरा चैनल है मेरा, और लगभग आप कह सकते हैं कि जानकारी हो गई, जितना भी आप सीखते हो, जब आपके कोई रिलेटेड में नहीं होता है ना बताने वाला, तब आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा होता है ना कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पे जो कोई सोशल मीडिया में नहीं है, मेरी नज़र में मतलब मुझे कोई नहीं पता है कि कोई है, अगर कोई होगा भी तो इतना वायरल नहीं है कि मुझे पता हो हाँ। पहचान नहीं है इतनी, बनाता होगा कोई। अब जैसे वीडियोस ही देखते हैं, जैसे मनोज दे हैं तो मतलब उनके वीडियोस देख लिए कि ऐसे होता है, या बहुत सारे मतलब फेमस यूट्यूबर लोग बनाते हैं जो
जो जानकारी देते हैं अच्छी अच्छी। और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई लोग कि यहाँ पे जो है कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद लोगों को अवॉइड करके, ठीक है, घर का भी सपोर्ट सही से नहीं हो। अभी क्या है, घर का सपोर्ट तो है ना पूरा? अभी तो बिल्कुल सपोर्ट है। मैं जैसा मतलब जितना डांस में ग्रो कर पाऊँ, और फिलहाल तो मम्मी मेरी हमेशा ही साथ थी, लेकिन जो होता है ना कि एक लड़की है उनकी, तो उनको हर चीज़ की टेंशन रहती है। स्टार्टिंग से भी वो साथ ही थी, बट मतलब थोड़ा सा उनके अंदर डर था कि हम मतलब ऐसे कैसे, मतलब सब लोग क्या रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी तो पापा हैं, मम्मी हैं, सबका बहुत ही अच्छा मतलब मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और मैं उसी उनकी वजह से मतलब कर पा रही हूँ। आदमी क्या ज़्यादातर आजकल पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, लेकिन उसके जो अलग इंटरेस्ट हैं, जो भी उसके अलग टैलेंट है, जो कि उसके अंदर क्वालिटी है, उसको नहीं निखरने दिया जाता है। तो सबसे यही कहना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको सपोर्ट किया जाए? हाँ जी बिल्कुल, अगर वो अपने काम के प्रति मेहनत कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ही एजुकेशन ज़रूरी है मतलब लाइफ में, वैसे ही अगर उनके अंदर कोई और भी टैलेंट है तो मतलब उस टैलेंट को उन्हें बाहर की प्रति मतलब उनके मतलब उसको सपोर्ट करें, उनको निखारा जाए, ना कि उसको दबाया जाए, ताकि वो भी आगे चल के कुछ अपना नाम कर सके। और उसमें परिवार वालों का भी नाम होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपके बच्चे अगर कुछ करेंगे उनका नाम होगा तो आपका नहीं हुआ, आप भी पहचाने जाओगे। और वो तो फिर अलग ही खुशी होगी जब अपने बच्चों के प्रति आप उनके नाम से आप जाने जाओगे। तो कैसा लगा आपको हमारे चैनल पर आके, और क्या कहना चाहेंगे चैनल के बारे में? चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके, और आप मेरे घर पे आए उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच गाइज, इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार जी। बिल्कुल, अभी को जो लोग सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो हो सकता था कि हाँ, ये इससे मोटिवेट आप लोग हो सकते हैं ये चीज़ देख के। एक लड़की हो के अगर ये इतना आगे निकल सकती हैं, ठीक है, तो आप जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, तो आप भी वो कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को पसंद किया होगा आप लोगों ने, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। और अपने भाई का भी छोटा सा इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है, कुछ अभी इतना प्यार नहीं है, बट ठीक है, अभी हम वहाँ पर चालू कर देंगे रील वगैरह बनाना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।